समस्या बनी बहुत आ रही है। ये रो रहे हैं बोले केदारनाथ जाना, चार दिन से सो ही नहीं और ना खाना खा रहे हैं। ये भाई साहब इसको तो फ्रेंड्स अभी हम इधर रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एमपी रतलाम। और आप भैया? मुझे मतलब है कॉपीराइट ठोक गया। ओह माय गॉड, ये मस्ती। अरे यार इंचिंग क्लोजर चुपके दार था। तो गाइस आज का व्लॉग है केदारनाथ ट्रैवल करने का। तो मैं अभी काठगोदाम में हूँ, अभी बजे है 7:40, हमारी ट्रेन है अगले 15 मिनट में। तो फाइनली हम पहुँच गए हरिद्वार। और हम इधर रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और देख सकते हैं अभी मैं हूँ सीतापुर में। इधर से आगे ट्रैफिक लगा हुआ है तो बस आगे नहीं जा सकती, पैदल ही निकलेंगे। है इधर की पार्किंग, तो आप देख सकते हो ये, इधर आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। और तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था तो हम सीतापुर से पैदल पैदल सोनप्रयाग की तरफ निकल पड़े, जो था अप्रॉक्स 3 किलोमीटर। और ये आप मेरे बगल में होटल्स देख रहे हो जहाँ आप शाम को ठहर सकते हैं, जिसका आजकल रेंट चल रहा है 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन। और ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो सोनप्रयाग का आखिरी है, इधर आप रजिस्ट्रेशन करिए अपनी यात्रा के लिए, वरना आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बेटर यही है आप घर से रजिस्ट्रेशन करवा के आए। ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हो ये है अप्रूव्ड रेट लिस्ट घोड़ा पालकी खच्चर डोली इन सब का, जो आप वीडियो स्टॉप करके रेट देख सकते हो। तो ये है इधर की सादी थाली जो है 100 रुपये, जिसमें आपको 4 रोटी चावल दाल और सब्जी मिलेगी। ये जो सामने आप होटल देख रहे हो इसमें हमने रूम लिया था जो हमें पड़ा
3,500 रुपये चार बेड के लिए, लेकिन हम थे पांच, तो हमने वो डिवाइड कर लिया और हमें 700 रुपये पर हेड पड़ गया था रूम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं मोबाइल मेरा 5, हम निकल रहे हैं अभी केदारनाथ की तरफ। सो कर दिया है अभी हमने रूम खाली और हम निकल रहे हैं अपने यात्रा की तरफ जो है केदारनाथ यात्रा। तो हम निकल चुके हैं अपने होटल के बाहर, अभी हमें गाड़ी पकड़नी है जो जाएगी गौरीकुंड और फिर गौरीकुंड से हम चलेंगे पैदल केदारनाथ की तरफ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो ये इधर आपका क्लॉक रूम है, आप इधर अपना सामान रख के जा सकते हो। आप इधर उसके बाद हम बढ़ेंगे गौरीकुंड की तरफ, फिर उधर से हम चलेंगे पैदल यात्रा। सो अभी बज रहे थे सुबह के 5:10 और हमने देखा कि लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये था पहला महीना बाबा केदारनाथ जाने का और था ये सीज़न, तो लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो हमने डिसाइड किया हम पैदल निकल पड़े, जो रास्ता था अप्रॉक्स 5 से 6 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अभी गौरीकुंड के लिए 1 किलोमीटर और बचा है और हम तो निकल लिए थे पैदल, और ये देखिए जो गाड़ियों में आ रहे हैं वो बेचारे जाम में कैसे फंसे हुए हैं। ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए हम चल रहे हैं और देख सकते आप कितना लंबा जाम लगा है। आगे हम पैदल यात्रा पे, आपका क्या कहना है, नीचे से ऊपर आने में आराम लगे मतलब रिलैक्स हो गया? एक पार्ट खत्म हो गया और क्या, यात्रा एक पार्ट खत्म हो गया। आपको ऐसा लगा कि आप नीचे से ऊपर आए हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं। तो कहो तो आप दोबारा नीचे जाके ऊपर आ सकते हो, तो जाइए आप। अरे चल ऐसे लोग आप मेरे ऊपर देख रहे हैं गौरीकुंड का आखिरी पोस्ट ऑफिस। अगर आप इधर पहुंच गए हैं और अगर आप अपने घर वालों को तो आप इधर से खत भेज सकते हैं उनको। सो अप्रॉक्स 5 किलोमीटर पैदल चल के हम पहुंच गए थे गौरीकुंड, और इस कुंड में हमने स्नान करके हम आगे की अपनी पैदल यात्रा के लिए रवाना हो गए, जो था केदारनाथ। तो इधर से केदारनाथ है 15 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में ये 17 किलोमीटर है। तो गाइस वो है हिमालय, एक बार केदारनाथ जरूर आओ गाइस, काफी मजा आ रहा है हमको ट्रैकिंग करते हुए। अच्छा, अभी तक इन्होंने 5 एनर्जी ड्रिंक पी लिए, सब जा गए, सब जा गए, इन पे एनर्जी आई है देखिए, और इनके इनके हालत देखिए। तो फ्रेंड्स आप तो मुझे जानते ही हो, मेरा नाम नितेश है। अच्छा, और इनका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से हो? मैं हूँ रानीखेत से। और आप? कुलदीप सिंह। कहाँ से? MP रतलाम। और आप? भैया मुझे मतलब मैं कॉपीराइट ठोक दूँ। ओह माय।
रहती है, नाक लगी रहती है, लेकिन पकता है सबसे पहले उसकी सूप पूरा झंडा में साउंड दिशा में गहरा था, हवा कितनी भी तेज होगी और इधर की हवा कितनी भी तेज होगी झंडा इधर ही लेना है। वहाँ भी जाएंगे कभी फ्रेंड्स। अभी हम सोनप्रयाग से चलते चलते 16 किलोमीटर हो गए हैं। अभी हम इधर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और भी चढ़ाई देख सकते हैं, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। बहुत हालत खराब है, बहुत ज़्यादा। कैसी हालत है? ठीक है, सही है। मज़े मज़े में कैसा लग रहा? आराम अच्छा लग रहा, थोड़ा रिलैक्स करना। मजाक कर, एक मस्त व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा। मेन रास्ता तो ये है चढ़ने का, बट हम शॉर्टकट से आए हैं इस रास्ते से। अगर आप इस रास्ते से आओगे तो आपका तकरीबन 1 किलोमीटर तो बच ही जाएगा ऊपर आने में। खड़े वो देखिए, फ्रेंड्स अभी बहुत थकान हो रहा है, तो अभी हम इधर बैठे हुए हैं और इधर हमने कोल्ड ड्रिंक ले रखी है, और ये कुछ कहना चाहते हैं। देखो भैया, या तो ये पियो या ये पियो, किसी हाँ। एनर्जी नहीं आती हाँ। खुद के पैरों से चढ़ना है ऊपर तो इसको फालतू के फैसले ना करें, ऊपर चल जाए, जल्दी पहुंच जाओ। अच्छा, जाएंगे धीरे धीरे ऊपर। साथ मेरे पीछे को देख रहे होंगे, ये है बर्फ का पहाड़ और व्यू तो मस्त आ रहा है। मैं आपको दिख तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो, ये जो नदी है ये बहते हुए आ रही थी, लेकिन ये जम गई है, जम गया है। बच्चों के रोज खेल लग रहा है, जम गई। ये हो रही है मस्ती। चलो चलो। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम बाबा केदार के द्वार। इधर से मंदिर तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगा, और जो भी किसी भी साधन से आता है, चाहे वो पालकी हो, घोड़ा हो, उसका इधर स्टॉप है। फिर इसके बाद आपको कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता है मंदिर तक। हम भी पहुंच गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो देखते हैं, दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हमें कल सुबह भी इधर रुकना पड़ेगा, फिर सुबह की आरती आरती करके तो हम रवाना होंगे इधर से। और तो फाइनली अवर डेस्टिनेशन आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है, तो मिलते हैं आपको। थक गए बहुत, बहुत बुरी हालत हो, 30 किलोमीटर चले होंगे हम। क्यों हालत खराब हो गई? अब जाकर हुई है ऊपर। अच्छा, ये खड़ी चढ़ाई है, इस चक्कर में हो गई, अब पैर दर्द कर रहा है। सोनप्रयाग से हम पैदल भी आए हैं 6 किलोमीटर, तो 19+6 25
25 किलोमीटर हम चल चुके अब तक, और अभी तो खैर मंदिर जस्ट आधा किलोमीटर आगे है, उधर पहुँचते हैं, दर्शन हो पाएंगे आपको भी दिखाएंगे। अगर दर्शन नहीं हो पाए तो कल सुबह करेंगे, आज हम आपको आरती दिखा दें। ओके, अभी हम पहुंच गए मंदिर परिसर में, दिखाई दे रहा होगा, तो हम अभी इधर पहुंचे हैं और दर्शन तो आज हो नहीं पाए क्योंकि अभी 5 से ज़्यादा हो गया और 5 से लेके 6 बजे तक मंदिर बंद रहता है, फिर 6 से 7 को आरती रहती है, तो आज हम आरती देखेंगे, आपको भी दिखाऊंगा, और जो दर्शन है वो हम कल सुबह करेंगे क्योंकि आज रात को हम होटल में ही रहने वाले हैं, होटल तो नहीं कह सकते, एक टेंट में जिसका प्राइवेट टेंट का किराया ऐसी है 400-500 रुपये, अगर आप बारगेनिंग करोगे तो आपको 400 में भी मिल जाएगा, और बेसिकली वैसे टेंट का रेंट है 500, और अगर आप थोड़े अच्छे टेंट में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 800 से 1000 रुपये भी चुकाने पड़ सकते हैं और 1500 भी होते हैं, तो आप सर्च कीजिएगा अपने बजट के हिसाब से और आप इधर आइए दर्शन कीजिए। फ्रेंड्स, ये हमें एक छोटा सा टेंट मिला है जो है 5 बंदों का, हमें मिला है 500 रुपये पर हेड एक बिस्तर का, तो आप भी आओ तो मिल जाएगा। तो इधर है वो टेंट मंदिर के ठीक सामने। कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण, मेरे बाबा तक मेरे तन में प्राण, मेरे बाबा पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा मुझ पे तेरा आशीर्वाद,
धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा दर्शन के लिए इतनी बड़ी सी लाइन लगी हुई है, आप देखिए ये लाइन इधर से होती है इधर तक की लाइन है और हम भी लाइन में लगे। सो इधर एटीएम की भी फैसिलिटी है, आप देख सकते हैं HDFC का एटीएम है इधर, और वो आपको ये सामने मिलेगा जस्ट मंदिर के सामने, ये मंदिर है इसके सामने एटीएम, और ये एटीएम अभी मैं हूँ मंदिर में, जिस मंदिर अभी उधर उतारेंगे ना, क्यों यहाँ उतारे तो फाइनली 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आ चुका था और हमारे दर्शन हो चुके थे। हमारे पास काफ़ी टाइम था तो मैं जल्दी से अपना कैमरा लेके आया ताकि मैं अपने व्यूवर्स को भी मंदिर के पास से दर्शन करा सकूं, जो अभी घर बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय श्री लोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, सुंदर देव रे महेश्वरा।
जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। जैसे कि आप देख रहे होंगे हम अभी भैरवनाथ मंदिर में हैं, जो केदारनाथ मंदिर से राइट हैंड साइड की तरफ 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई है। आप उसको चढ़ने के बाद इधर पहुंच जाएंगे, और इधर ओले पड़ रहे थे इसलिए ये पूरा पहाड़ अभी सफ़ेद दिख रहा है। जन्नत तो सिर्फ कश्मीर में है, लेकिन गए तो शायद केदारनाथ है ना। केदारनाथ बर्फ तो यहाँ पे ही गिर रही है। ओ अरे केदारनाथ में